हुआ था छुटका सा एक्सीडेंट था। व्हाट इज ईएसआई? तो ये लेफ्ट वाला है, इसके चार लिगामेंट से दो लिगामेंट टूट गए। हमेशा मैं पंगे ले लेता हूँ। तो भाई साहब आज के बाद हमें ऑफ रोडिंग करने की लोड नहीं है। क्योंकि यहाँ पे लग चुका है टायल, और वाइज कैसा आ रहा होगा आप ज़रूर बताना, क्योंकि बाइक की पोजीशन चेंज हो चुकी है हमारे इस हेलमेट में। तो आई होप कि आपको वाइज पहले से बेटर आए, नहीं आएगी तो भाई साहब फिर तो मूड तो ख़राब होने ही वाला है। तो अभी फ़ोन आया था फ्रेंड का, वो कह रहा है कि भाई मेरे को शायद पता नहीं कुछ चीज़ की एंट्री करानी है, वो करवाना है मुझे, ले चल। और भाई का एक छुटका सा नहीं समझ लो, हुआ था तो छुटका ही सही था, पर हो गया बड़ा। उसके घुटने पैर के घुटने की जो क्या बोलते हैं लिगामेंट जो अपने घुटने में चार लिगामेंट होते हैं, तो उसके ना दो लिगामेंट टूट चुके हैं, तो वो रिप्लेस का या पता नहीं क्या होगा उसका ऑपरेशन है। अभी मुझे याद तो नहीं कब है, मेरे को बताया था। तो हुआ था छुटका सा एक्सीडेंट था, बस गिरा था प्यार से ही, पर है मेरा भाई लंबा हट्टा कट्टा एंड बाउंसर। अरे बाउंसर से याद आ जाएगा, अगर आपने मेरी पुरानी वीडियो देखी होगी तो बाउंसर की हमारे घुटने की, लेफ्ट घुटने की, तो दोस्त ने बुलाया है, उसके पास जा रहे हैं, क्योंकि वो बाइक नहीं चला सकता, उसका ही छुटका सा नहीं कहेंगे, हुआ था छुटका सा पर हो गया बड़ा एक्सीडेंट। उसके लेफ्ट नी की लिगामेंट टूट चुके हैं, वो सब है लंबा हट्टा कट्टा चौड़ा है। तो स्प्लेंडर पे जाता था, स्प्लेंडर में मतलब पता नहीं कैसा उसका पैर आया साइड में, जो साइड में वो लग नहीं रखे होते हैं पानी वाले किनारे, तो उसमें उसका पैर फंस गया, वो ऐसे लेफ्ट साइड को ही गिर गया, तो उसके दो लिगामेंट टूट चुके हैं घुटने की, तो उसका ऑपरेशन है। अब देखते हैं क्या कह रहा है हमें। छे हम चल चुके हैं, भाई बैठा है पीछे हमारे अपनी ब्लैक पैंथर क्या, हाँ शायद हाँ, तो ब्लैक पैंथर में भाई बैठा हुआ है, वैसे कैसे बैठ गया। तो अभी जा रहे हैं 29, तो 29 में ESI मतलब कोई डिस्पेंसरी है ESI का, एम्प्लॉयमेंट का, तो वहाँ पे जाके अप्रूवल लेनी है छुट्टी वगैरह का, जो भी छुट्टी करेगा उसके पैसे पूसे मिलेंगे, और जो भी मेडिसिन हो गया ऑपरेशन हो गया सारे कुछ वो ESI वाले खर्चा उठाएंगे, सारा कुछ उन्हीं का खर्चा हो जाता है। व्हाट इज ESI? आप सोच रहे हो वीडियो के बीच में कहाँ आ गया, तो दोस्त ने मुझे बताया था जो मेरे पीछे बैठा था, तो उसने मुझे बताया था कि ESI क्या होता है, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ESI क्या होता था, क्योंकि उस टाइम अपने को नॉइज वगैरह बहुत ज़्यादा आ रही थी बाइकों की, इसलिए मैं बीच में आ गया वीडियो में। तो ESI क्या होता है? ESI होता है जो अपनी सैलरी होती है, जो 21,000 से कम होती है जिसकी सैलरी, उसकी उसकी उसके जिस तरह PF करता है उसी तरह एक ESI करता है, वो भी करता है 0.75% करता है अपनी पूरी सैलरी में से, मतलब जिसकी 21,000 से कम होती है सिर्फ उसी की ESI करती है। तो उसमें हमें बेनिफिट क्या है? ESI करता तो है ठीक है, तो उसमें बेनिफिट क्या है? बेनिफिट हमें ये होता है, जिस तरह हमको नॉर्मल कोई से भी खांसी बुखार कुछ भी मतलब छोटी मोटी होती है, तो वो तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी फ्री देते हैं, तो ESI का भी कार्ड बना होता है, तो उसमें भी आपको फ्री होगा, फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, तो बोलोगे कि आप वो तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी फ्री में देते हैं। तो
तो जिस टाइम मेरे फ्रेंड का तो था लिगामेंट टूट गए थे, तो उसमें तो होगा ऑपरेशन, मोटा खर्चा है, ऑपरेशन होगा तो भैया मोटा खर्चा, कम से कम 25-30-35 लाख, 25-35 हज़ार शायद होंगे मेरे हिसाब से, जहाँ तक मुझे आइडिया नहीं है वैसे ऑपरेशन का कितना होगा, तो मान लो 25 हज़ार 35 हज़ार, सॉरी 30 हज़ार 35 हज़ार होगा खर्चा, तो भैया कहाँ से लाएगा वो। तो जो उसकी ESI करती थी, बजाज में फाइनेंसर था, तो उसकी उसमें सिर्फ ESI करती थी, तो उसमें उसे फ्री ऑफ कॉस्ट हर चीज़ होगा, मेडिकल, ऑपरेशन, और जो भी मतलब जितने दिन रेस्ट करेगा वो भी, ये भी बेनिफिट है। जिस तरह वो अब तो अभी जॉब पे जा नहीं रहा, उसको ESI कार्ड बन चुका है, आज हम बनवा लेंगे तो कार्ड बन जाएगा, तो उसको मिलेगा उसकी सैलरी का 70-75% मिलेगा, पूरी सैलरी जितनी भी थी उसकी, उसके 70% 70 या 75% की सैलरी उसको अकाउंट में आएगी, और उसका ऑपरेशन फ्री में होगा, मेडिकल सारा फ्री में होगा, सब कुछ फ्री में होगा, तो ESI का ये बेनिफिट होता है। तो और भी कई चीज़ें होती है, जिस तरह अगर लेडीज प्रेग्नेंट है तो उसको भी 4 मंथ की सैलरी मिलेगी, अगर वर्क कर रही है कहीं पे भी, इसकी 21 हज़ार से सैलरी कम हो और वो कहीं पे भी काम कर रही है, और उस कंपनी में कम से कम 10 से 12 आदमी काम करना काम करते होने चाहिए, तो उसी की ESI करती हैं। तो जिस तरह अगर लेडी कोई प्रेग्नेंट है तो उसके 6 मंथ या 4 मंथ की सैलरी उसको अकाउंट में आएगी, एंड अगर मिस कैरिज हो जाए लेडीज़ का, मतलब जो बेबी होता है तो उसका भी कुछ होता है। तो अगर आप चाहते हो तो ये वीडियो मतलब ESI के वीडियो में डिटेल में बनाओ, तो कमेंट में ज़रूर बताना, तो हम बनाएंगे, कोशिश करेंगे कि पसंद आए, तो आप आगे देखिए, आई होप कि आपको समझ आ गया हो, समझ आए तो लाइक कर देना, आगे देखिए आप। तो अभी जा रहे 29, तो यहाँ से जाएंगे लेफ्ट, तो अब आ गए हम 29 मैम। कहाँ पे भाई? इधर से मुझे, मैंने देखा नहीं है 29 का डिस्पेंसरी, तो भाई ने देखा, भाई मुझे गाइड करेगा, अब मैं चलूँगा, मतलब भाई पीछे बैठ के लीड करेगा, हम उसी डायरेक्शन में जाएंगे। तो इधर से लेफ्ट। भाई क्या कर रहे हो? वैसे एक मरीज बैठा हुआ है, ये वाला है। किधर को है? पूरे लगा देते हैं आप। तो ये लेफ्ट वाला है, इसके चार लिगामेंट से 2 लिगामेंट टूट गए, इधर वाले दोनों टूटे हैं ना, इससे 4 है, राइट साइड वाले ACL और ACL और MCL। चलो अब यहाँ पे देखते हैं अप्रूवल क्या क्या सीन है क्या नहीं है। तो अभी यहाँ से निकल रहे हैं, थोड़ा सा मेरे को काम है वो निपटा लेते हैं, फिर उसके बाद वापस आके भाई को पिकअप करते हैं। अब थोड़ा माइक भी टेस्ट कर लेते हैं कि अब वॉइस कैसे आ रही है, वॉइस सही आ रही है नहीं है आ रही है, क्योंकि चेक तो करना बनता है ना वीडियो। तभी जाना है 26 ये बॉय। हमेशा मैं पंगे ले लेता हूँ अपनी पैंथर के साथ, चलो देखते हैं क्या होता है। अरे पैंथर के साथ पंगे नहीं है, पतंगों के साथ पंगे है भाई साहब। और फटाक से पहुंचते हैं 29।
रोशन भाई को लेके आना चाहिए था, छोड़ना नहीं चाहिए था पूरे प्यार से। तो ये पतंग है मेरे, पतंग क्या है, पतंग। ओए भाई मैंने ये नहीं लगाया, ओ शिट। पतंगों के साथ मजाक नहीं मेरे, प्यार से हौली हौली निकल लो। चलो यार अब सीधा 29 में मिलते हैं। तो आ गए, अब भाई को बाहर बुलाए के अंदर चले। उधर ही चल लेते, खामखा चीखे मार रहा हूँ भाई की, जब इधर लाना था। मैं भी फुद्दू, मैं फालतू का चीखे मार रहा हूँ, इसी तो यही बाइक ले आता। पकड़ो एक मिनट, बैक करने दे। पतंगे पतंग नहीं, ये बाइक लेके आना थोड़ा। दो जी सामान मानसा बैग में भर रखा। तो आप सीधा पहुंचते हैं घर। मेरे को देख के बंदों को लगता होगा ना मैंने तो कुछ नहीं टूटा इसका। चलता हूँ फिर भाई के घर। पर ये नहीं पता कि कभी कभी मैं लगी प्यार से, एक्सीडेंट प्यार वाला हुआ था पर हुआ खतरनाक है।